हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के बारे में। जो भी स्टूडेंट 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में पास किए हैं और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई कब से स्टार्ट होगा और अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आप लोग के मन में ये भी होगा कि आप लोग को कितना पैसा मिलेगा। तो इस बात को भी मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कब से होगा और आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले गलती कर चुके हैं तो वो गलती आप नहीं करेंगे तो आपका ये पैसा एक बार में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि इस बार नया पोर्टल से आवेदन होगा जहाँ से आपका वेरिफिकेशन तुरंत ही हो जाएगा। तो इसके बारे में पूरा जानने के लिए कि कैसे अप्लाई होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और आपको 25,000 रुपये मिलेगा कि 50,000 रुपये मिलेगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी दूंगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर और मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे टाइप करना है kno9anythings.in। इतना टाइप करके सिंपली आप गूगल में सर्च कर देंगे। गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा नो एनी थिंग्स का फर्स्ट वेबसाइट। ओके, सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में दिया गया है बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 50,000 रुपया ऑनलाइन फॉर्म का। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप के सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, या नहीं तो आप क्या करेंगे, ऊपर मेन्यू का बटन दिया गया है यहाँ पे स्कॉलरशिप का, इसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद ऐड आएगा, आप इसे क्लोज कर देंगे। एड क्लोज करने के बाद यहाँ पे सिंपली बहुत तरीके का स्कॉलरशिप दिया गया है। इसमें कन्या उत्थान योजना स्नातक के बारे में बहुत सारा पोस्ट दिया गया, आप उस पोस्ट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो कब तक पैसा आ जाएगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट दिया गया है बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 50,000 रुपया ऑनलाइन फॉर्म का। सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद इस पोस्ट में आपको सभी तरीके का जानकारी मिल जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या योजना है, कैसे अप्लाई करना है, सभी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स इसका दिया गया जो ओवरव्यू है वो आप देख लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि मतलब कि ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो दिया गया है। न्यू पोर्टल के बारे में बताया गया यहाँ पे कि न्यू पोर्टल पे आप लोगों का आवेदन होगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाई जल्द हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया अभी भी इस वेबसाइट पर काम चल रहा है, लेकिन इस महीने में ही इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं इस नया पोर्टल पर। जो भी स्टूडेंट स्नातक पास किया है उसका सभी जानकारी पहले से ही पोर्टल पर मौजूद रहेगा, जिससे कि अप्लाई करने के बाद तुरंत ही फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इससे सभी स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि नया पोर्टल को लॉन्च नहीं किया गया है अभी, अभी भी उस पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी को भी वेबसाइट भेजा गया है ताकि आप लोग अपना जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उसका डिटेल्स अपलोड कर दे वेबसाइट पे। उसके बाद जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपका डिटेल्स पहले से ही वेबसाइट पर मौजूद रहेगा और जल्द से जल्द आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और आपका पैसा भी आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप 2022 के लिए जो दिया गया स्नातक का क्या क्या योग्यता चाहिए, इसमें इस योजना के लिए आपको क्या चाहिए। इस योजना का लाभ केवल महिलाएं और लड़कियों को दिया जाएगा। लड़की महिला बिहार की निवासी होनी चाहिए। लड़की महिला स्नातक पास होनी चाहिए। सभी वर्ग के लड़की महिला को लाभ दिया जाएगा। एक विद्यार्थी के द्वारा केवल एक ही आवेदन भरा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। और यहाँ पे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस तरीके का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उसको लंबे समय तक इंतज़ार करना होता है। तो इसलिए आप लोग को ये सब गलती नहीं करना, पहले से ही आप लोगों को ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि फ़ोटो चाहिए स्टूडेंट का, सेल्फी नहीं चलेगा और साफ़ फ़ोटो होना चाहिए और फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे 50 KB से कम होना चाहिए और आकार यहाँ पे दिया गया है जो कि डायमेंशन है वो भी यहाँ पे दिया गया, इसे भी आप देख लेंगे। सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट,
सिग्नेचर चाहिए आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में से किसी एक में आप कर देंगे ओके। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड ऑफ स्टूडेंट, आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो सर्टिफिकेट के नाम के जैसा होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपका ऐसा नाम नहीं है तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम करेक्शन अभी करवा ले ओके। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है जो कि बिहार का होना चाहिए, जो कि नया बना होना चाहिए और पति के नाम से नहीं होना चाहिए ठीक है, आपके घर के एड्रेस का होना चाहिए ओके। और इसका भी यहाँ पे साइज दिया गया है, इसी साइज में आप अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही अपलोड कर देते हैं किसी भी साइज में, ऐसे मोबाइल से फोटो क्लिक किए टेढ़ा मेरा जो भी है अपलोड कर देते हैं तो उसका रिजेक्ट हो जाता है ओके। फर्स्ट बैंक ऑफ पासबुक मतलब कि बैंक के फर्स्ट पृष्ठ का आपको फोटो लेकर अपलोड करना होगा ठीक है, जो कि बिहार का किसी भी बैंक का होना चाहिए, और बिहार के किसी अदर बैंक का है तो वो पासबुक आपका यहाँ पे नहीं चलेगा ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्कशीट दिया गया, पासिंग मार्कशीट ओके। तो इसमें जो आपको कॉलेज से मिला है या इसमें जो दिया गया है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं वो नहीं चलेगा, जो आपको कॉलेज से मिला है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ओके। और ये डॉक्यूमेंट्स का साइज भी यहाँ पे दिया गया है, इस साइज को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसी साइज में आपको अपलोड करना है। अब आप लोग के मन में ये होगा कि कितना पैसा मिलेगा, तो फाइनली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट 2022 में अप्रैल 2022 के बाद पास किए हैं तो उसे 50,000 रुपये मिलेगा, और जो भी स्टूडेंट 2018 19 20 21 में अप्लाई नहीं किए थे, रह गए थे किसी भी कारण से, या उसका रिजल्ट बहुत लेट आया, क्योंकि होता है बिहार में कि रिजल्ट बहुत लेट से आता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ओनली 25,000 रुपये ही दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अप्रैल 2022 के बाद पास किए हैं तो उसे 50,000 रुपया मिलेगा ओके। तो इसमें आपको ये बात समझ में आ गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिया गया तो आप इसे भी पढ़ लेंगे ओके। उसके बाद अप्लाई का यहाँ पे दिया गया, अप्लाई का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अभी भी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि आपका अप्लाई नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा ओके। तो आप अप्लाई कर देंगे, आपको अप्लाई करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा लाइव प्रोसेस के साथ दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अप्लाई करें तो बहुत ही आसानी से अप्लाई कर दें और कुछ भी मिस्टेक ना करें। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नो एनीथिंग्स वेबसाइट पर विजिट करते रहे, आपको पल पल की अपडेट इस वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा ओके। उसके बाद अप्लाई कब से होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि अप्लाई आपका नवंबर के फर्स्ट वीक से होगा, और यहाँ पे न्यू प्रोसेस के साथ अप्लाई होगा, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ नोटिफिकेशन की, तो आप नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया, यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएगा ओके। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड का दिया गया, सिंपली आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें बताया गया कि 35 करोड़ रुपया जो है यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया इस योजना के तहत, जो भी 2022-23 वित्तीय वर्ष है उसके लिए ओके। तो यहाँ पे पैसा जो मिलेगा 25,000 रुपये, 14,000 छात्राओं को पैसा यहाँ पे मिल जाएगा इसी मंथ के लास्ट तक, मतलब कि अक्टूबर के लास्ट तक, जिसका भी पेंडिंग था, जिसका भी मतलब कि पेमेंट डन में इन प्रोसेस था या हेडक्वार्टर में पेंडिंग था तो पेमेंट डन में गया है, तो उसका पेमेंट मतलब कि 14,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका पेमेंट 25,000 रुपये उसके खाते में अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। और यहाँ पे 35 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिया गया जो कि अप्लाई करेंगे उसके लिए, तो मतलब ये है कि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग को पैसा जल्दी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, आपको इसी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सिंपली आप पढ़ लेंगे। अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम पर जुड़ के बात कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का सजेशन देना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप इस तरीके से समझ लिए हैं कि अप्लाई कब से होगा, तो फाइनली मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे अप्लाई आपका नवंबर के फर्स्ट वीक से होगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है बिहार गवर्नमेंट की ओर से ओके। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको इस पोस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आप लोग कुछ भी मिस्टेक ना करें और आप लोग का फॉर्म भी एक बार में वेरीफाई हो जाए और जल्द से जल्द आपका पेमेंट मिल जाए। तो आप लोग इस टाइप का डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रखेंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो और आप लोगों का पैसा भी जल्द से जल्द मिल जाए। जैसे कि आपको पता है कि पोर्टल पर पहले से ही आपका सभी डिटेल्स मौजूद रहेगा, आप अप्लाई करेंगे और 2 से 4 दिन में फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा,
ओके। तो इसलिए आप लोग ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर ले ताकि आपका रिजेक्ट ना हो, एक बार में जब आप अप्लाई करें तो पैसा आपका आ जाएगा। और अप्लाई होना जब भी स्टार्ट होगा तो आपको स्पेशली स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस के साथ फुल वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोग किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हो और आप लोग आसानी से अप्लाई कर सके। और इस वेबसाइट पे आप विजिट करते रहेंगे नो एनीथिंग वेबसाइट पे, और आप इस पोस्ट को आसानी से बैठ करके घर में अच्छे से रीड कर लेंगे, आपको सभी तरीके का जानकारी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपने फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें, और जिसको भी अप्लाई करना है आपको लगता है कि ये ग्रेजुएशन पास किया है तो उसे भी ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उसको भी सभी जानकारी सही से मिल जाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो को कम्प्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।